नमस्कार आपण को मो चैनल ममता किचन एंड ब्लॉग रे बहुत बहुत स्वागत। आज मुन सहित सेयार करने को जाऊँगी कार्तिक व्रत संपर्क में कि जानवा कथा। वर्षर बार मस भितर चारोटी मस हो अति पवित्र और धर्म मस। यही चारोटी मस है आषाढ़, कार्तिक, माघ और बैशाख। यह संक्षेप आका मा बई मध्य कुआ जाय थाए। एही मास मानक मध्यरु कार्तिक मास हेउची श्रेष्ठ धर्म मास। आबाळ वृद्ध बनिता प्रत्युषरु स्नान करी मास सारा देव दर्शन कले महापुण्य प्राप्त हुए। विधवा तथा सधवा माने कार्तिक मासरे हविष्य पालन करंती। हविष्य पालन करुनथिबा महिला ओ पुरुष किछि नकले मध्य समस्ते आमिष भोजन परित्याग करंती। हिंदू ब्राह्मण घरर विधवा मानक पई हविष्य पालन एक विधि भाव प्रचलित। प्रत्युषरु स्नान और देवदर्शन पर एकाठी हो हविष्याली माने चौरा मूले राई दामोदर पूजा करती और कार्तिक महात्म्य पाठ व श्रवण करती। सूर्यास्त पूर्वर हविष्य पालन करती। संध्या रे आकाशदीप प्रज्वलन कार्तिक व्रतर एक महत्वपूर्ण अंग। पितृगण को पथ प्रदर्शन एवं सेमानंक अंधकार छन्न पथ को आलोकित करने सकाशे उच्च स्थान रे प्रदीप प्रज्वलन करा जाय थाए। कार्तिक मास रे तुलसी वृक्ष को भक्ति सहकारे आराधना करा जाए। जगन्नाथ को प्रतिदिन तुलसी लागी करा जाए। किंवदंती अनुसारे राक्षस जलंधर निज सती साध्वी पत्नी वृंदावती पतिव्रता बल रे बलियान हो उठिथिला। वृंदावती सतीत्व अम्लान रही पर्यंत से अजय अमर रही। मास रे श्री विष्णु मायारे जलंधर असुर को मारी। श्री विष्णु मत्स्य अवतार नहीं समस्त वेद को सुरक्षा देस शिव पुत्र कुमार कार्तिक तारकासुर को बध करसरे असुर मान निधन पर पृथ्वीर शांति प्रतिष्ठा होता। तेणु कार्तिक मास हेउछि पवित्र और पुण्य मास। कार्तिक मासर सोमवार दिन शिव को पूजा करा जाए एवं सोमवार व्रत पालन करा जाए। कार्तिक सोमवार दिन हविष्य पालन करी आशुतोष को पूजा कले रोग शोकरु मुक्ति मिले। एही मासरे मृत्युवरण कले स्वर्ग प्राप्ति हेबार विश्वास रहिछि। एही मासरे श्री विष्णु श्रीकृष्ण शिव कार्तिक एवं माँ तुलसी देवी को भक्ति सहकारे पूजा करा जाए। एही मासरे प्रातः स्नान पूजा पाठ दान धर्म होम यज्ञ मंगलकारक होइथाए। एहा द्वारा धन और ऐश्वर्य प्राप्ति होइथाए। एही कार्तिक मासरे बहुत पर्वपर्वाणी पालन करा जाए। सेथिमध्यरु धनतेरस दीपावली श्यामाकाली पूजा पया श्राद्ध छठ पूजा नागपंचमी भातृद्वितीया जमद्वितीया देवस्थापन बड़ एकादशी अंला नवमी बड़ ओषा कार्तिक पूर्णिमा प्रधान। एही मासरे जप तप होम यज्ञ उपास व्रत करने द्वारा शारीरिक और मानसिक दुख कष्टरु मुक्ति मिले। अभाव दूर होइथाए। रोग शोकरु मुक्ति मिले। माँ लक्ष्मी कृपारु धन और ऐश्वर्य प्राप्त होइथाए। एबे आसंतु जानिबा कार्तिक व्रतर पालन विधि। कार्तिक मासरे ब्राह्म मुहूर्त रे सज्जा त्याग करी प्रातः स्नान करिबा उचित। ब्राह्म मुहूर्त कहिले भोर साढ़े चारटा पांचटा भितर सज्जा त्याग करी स्नान करिबा उचित। एही मासरे नदी बा पोखरी रे कार्तिक बुड़ पकाइबा विधि रहिछि। जदि आपण नदी बा पोखरी रे स्नान न करि पारछन्ति ताहाले घरे पानी बाल्टी रे गंगा जल मिसाई स्नान करंतु एवं श्री विष्णु को ध्यान करंतु। एहा द्वारा पुण्य लाभ होइथाय। एपरी स्नान करिबा द्वारा समस्त तीर्थ स्थान पुण्य मिलिथाय। स्नान परे सूर्य पूजा एवं परे वृंदावती बा तुलसी पूजा करिबा उचित। सकाळे एवं संध्यारे दीपदान विधि रहिछि। संध्यारे आकाशदीप प्रज्वलन करा जाय। एही दीपदान कुमार पूर्णिमा ठारु कार्तिक पूर्णिमा पर्यंत करिबा चालू रखिबा उचित। एही मासरे चौरा मूले दीपदान कले
ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅଶେଷ କୃପା ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମାସରେ ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ଉପାସନା କରିବା ଉଚିତ। ମାସ ସାରା ଭାଗବତ ଗୀତା ରାମାୟଣ ପାଠ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ମାସରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜାଣିବା କଥା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।